वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट. आज हम चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे हैं. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे हैं. कौन सा है चैप्टर नंबर 4? स्कूल इज़ अ टेम्पल. ठीक है, जो हमारा स्कूल होता है वो एक मंदिर के समान होता है, और मंदिर ही होता है ऑब्वियसली. ठीक है, तो हमारा जो स्कूल होता है क्या है? एक टेम्पल है. हमारा स्कूल एक टेम्पल है. हमारा जो स्कूल है एक मंदिर है. स्कूल इज़ अ टेम्पल. ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, प्रीवियस चैप्टर के बारे में ब्रीफिंग कर लेते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने जो रीड किया था उसको आपने अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन किया होगा. और आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, मतलब अबाउट द चैप्टर. ठीक है, डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स, मतलब आप क्या वेयर करना पसंद करते हो. डर्टी क्लोथ्स मतलब गंदे क्लोथ्स, और क्लीन मतलब साफ क्लोथ्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, आई लाइक टू वेयर क्लीन क्लोथ्स. हम क्या पसंद करते हैं, मैं पसंद करती हूँ वेयर क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स पहनना पसंद करती हूँ. आई लाइक टू वेयर क्लीन क्लोथ्स. ओके, एंड सेकेंड क्या है, डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम. आप कहाँ बैठना पसंद करते हो, क्लीन क्लासरूम में या फिर डर्टी क्लासरूम में? ऑब्वियसली क्लीन क्लासरूम में. तो यहाँ पे क्या है, आई लाइक टू सिट इन अ क्लीन रूम. ओके, हमारा जो स्कूल का क्लासरूम होता है वो भी क्लीन होता है, और जो घर पे जो रूम होता है वो भी क्लीन होता है. ठीक है, तो हमको कहाँ बैठना चाहिए, क्लीन रूम में. ओके, अब देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज एक्सेट्रा लाइन ऑन द फ्लोर अराउंड यू, वॉट वुड यू डू. ठीक है, अगर आप देखते हैं कि आपके आस पास रूम में अगर कुछ पेपर्स हैं या फिर गंदी गंदी चीज़ें पड़ी हैं, लाइक वेस्ट पेपर, या कोई वेस्ट पेपर है, या फिर रैपर्स ऑफ कैंडीज मतलब किसी टॉफ़ी का छिलका है या कुछ भी है, अगर आप उसे फ्लोर मतलब आंगन पे देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, आई वुड पिक अप द रबिश एंड पुट इन द डस्टबिन. आंसर क्या दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, उसको पिक करता हूँ मतलब उसको लेता हूँ, दैट रबिश मतलब उस कूड़े को या फिर कचरे को, और क्या करता हूँ, पुट इन टू द डस्टबिन. ओके, कहाँ कर देता हूँ, कहाँ फेंकता हूँ, डस्टबिन में थ्रो कर देता हूँ. आया समझ में? हम भी यही करते हैं ना. अब देखो हमने चैप्टर की ब्रीफिंग पढ़ ली है, मतलब अबाउट द चैप्टर रीड कर लिया है. अब हम क्या रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर अ क्लासरूम. ये किसकी बात है, क्लासरूम की बात है. ठीक है, किसकी बात है, क्लासरूम की बात है. अब देखो क्या बताया गया है इसके बारे में, अ क्लासरूम, स्टूडेंट आर सिटिंग, राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. देखो क्या बता रहा है, ये क्लासरूम की बात है. स्टूडेंट्स आर सिटिंग मतलब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे. राजू द क्लास मॉनिटर, राजू कौन था, क्लास मॉनिटर था. ठीक है, नोटिस कर रहा था कि कुछ पेपर्स, बिट्स ऑफ पेपर्स मतलब कुछ पेपर्स थे, बिट्स ऑफ पेपर मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस मतलब पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लाइंग मतलब पड़े हुए थे. कहाँ, ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, मंजीत के पास में जो आंगन था वहाँ पे क्या, लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत, नियर के मंजीत के पास में कुछ कागज़ के टुकड़े, वेस्ट को टुकड़े पड़े हुए थे. ठीक है, आप देखो क्या है, इस पैसेज को रीड करते हैं. सबसे पहले क्या बोलता है, राजू बोल रहा है. ठीक है, जो कि कौन था, क्लास मॉनिटर था. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा. मंजीत हु हैज़ शोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, वो पूछता है. कौन पूछता है, राजू पूछता है कि कौन है जिसने ये बिट्स ऑफ पेपर क्लासरूम में फेंके हैं, थ्रो मतलब फेंकना. ठीक है, तो मंजीत रिप्लाई करता है, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉयज़ हैज थ्रोन दिस स्क्रैप्स, स्क्रैप मतलब वेस्ट पेपर्स. मुझे लगता, आई डोंट नो राजू, मुझे पता नहीं है. मे बी का मतलब होता है शायद. सम बॉयज़ मतलब कुछ लड़कों ने इसे फेंक दिया होगा, इस स्क्रैप को, स्क्रैप मतलब वेस्ट पेपर को फेंक दिया होगा, थ्रोन मतलब फेंकना. वो बोलता है मुझे नहीं पता, शायद कुछ लड़कों ने ये स्क्रैप मतलब वेस्ट पेपर को फेंक दिया होगा. तब राजू बोलता है, नो यू आर टेलिंग अ लाई. राजू कौन था, क्लास मॉनिटर था. तो बोलता है, नहीं मंजीत, तुम झूठ बोल रहे हो. यू आर टेलिंग अ लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, LIE. ठीक है, लाई मतलब झूठ बोलना. यू आर टेलिंग लाई, तुम झूठ बोल रहे हो. When I went out of the class, you were writing on the paper. जब मैं इस क्लास से जा रहा था
तब तुम क्या कर रहे थे? तुम उस पेपर पे कुछ लिख रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था। व्हेन आई वेंट आउट द क्लास, जब मैं इस क्लास से गया था, यू आर राइटिंग ऑन ए पेपर, तुम पेपर पे कुछ ना कुछ लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, ये वही पेपर है जिस पे तुम लिख रहे थे। मतलब राजू किस पे शक कर रहा है? मंजीत पे शक कर रहा है। क्या बोल रहा है कि जब मैं गया था तुम ऐसे ही कुछ पेपर्स पे लिख रहे थे और ये पेपर मुझसे उससे ही मिलता जुलता लग रहा है, मतलब वही पेपर्स हैं कुछ, ये सेम पेपर लग रहे हैं जिस पे तुम लिख रहे थे। आया समझ में? तो मंजीत बोलता है आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने यहाँ पर नहीं फेंके हैं, मैंने वो पेपर यहाँ पर नहीं फेंके हैं। आई डिडंट मतलब नहीं फेंके हैं, आई डिडंट थ्रो मैंने यहाँ पर ये पेपर नहीं फेंके हैं, ठीक है। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स, सॉरी आई डिडंट थ्रो देम हियर, आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने तो कहाँ फेंके? डस्टबिन में फेंके हैं। कहाँ फेंके हैं? डस्टबिन में। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने किस में फेंके? डस्टबिन में फेंके हैं। राजू लाउडली जोर से चिल्ला के बोला, किसको? मंजीत को। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू देम हियर, तुमने यहीं फेंके हैं। क्लीन द फ्लोर नाउ, क्लीन द फ्लोर, अब तुम इस फ्लोर को क्लीन करो। कौन बोलता है? राजू बोलता है। राजू किसको बोलता है? कौन है राजू? क्लास मॉनिटर है, ठीक है। तो किसको बोलता है? मंजीत को। लाउडली स्पीक करता है, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू देम हेयर, तुमने यहाँ पर इस पेपर्स को फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब बोलता है कि तुम इस पेपर्स को क्या करो? क्लीन करो। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज में। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है सेकंड पैसेज में। मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर, व्हाई शुड आई क्लीन देम? अब कौन बोल रहा है? मंजीत बोल रहा है। व्हेन आई डिडंट थ्रो, जब मैंने इन पेपर्स को यहाँ नहीं फेंका, व्हाई शुड आई क्लीन देम, मैं इन्हें क्लीन क्यों करूँ? किसको बोल रहा है? राजू को बोल रहा है। व्हेन, जब मैंने इन पेपर्स को यहाँ नहीं फेंका तो मैं इसे क्लीन क्यों करूँ? Why should I clean them? मैं ऐसी क्लीन क्यों करूँ? कौन बोलता है? मंजीत बोलता है। किसको? राजू को बोलता है। अब देखो, both start quarreling. Quarreling का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। क्वारल क्या बोलते हैं? क्वारल, तो उसको क्वारलिंग बोलते हैं। आया समझ में? क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना। दोनों क्या करने लगते हैं? झगड़ा करने लगते हैं। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, जैसे ही वो झगड़ा करते हैं, द क्लास टीचर्स एंटर, क्लास टीचर रूम में आ जाती है, क्लास टीचर क्लास में आ जाती है, ठीक है। एंड टीचर बोलती है, बॉयज वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो? क्या बोलती है टीचर? बॉयज वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो? मंजीत बोलता है, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। मंजीत क्या बोलता है टीचर को? कि राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि ही सेज़ दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर्स हेयर, ये बोल रहा है कि ये जो पेपर्स हैं ये मैंने फेंके हैं, मैंने थ्रो किए हैं। बट ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, ये तो मुझे फ्लोर को क्लीन करने को भी कह रहा है। कौन बोलता है? मंजीत बोलता है। किसको? टीचर को। जैसे ही टीचर आती है क्लास में तो क्या बोलता है? सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि मैंने ये पेपर्स फ्लोर पर फेंके हैं, बट मैंने तो फेंके ही नहीं। और साथ में मुझे क्या बोलता है? ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, वो मुझे बोलता है कि साथ में ही इस फ्लोर को भी क्लीन करो, जबकि मैंने तो फेंका भी नहीं है। इट इज़ नॉट माई जॉब, ये बोलता है, इट इज़ नॉट माई जॉब, मतलब बोलता है ये मेरा काम नहीं है, ये तो स्वीपर्स का काम होता है। स्वीपर्स मतलब जो कि काम करते हैं, स्वीपर्स मतलब जानते हैं बेटा क्या होते हैं? जो साफ सफाई का काम करते हैं ना, जो झाड़ू निकालते हैं स्कूल में, ठीक है, जो ना जो हमारा फ्लोर क्लीन करते हैं, जो हमारे क्लासरूम क्लीन करते हैं, वो क्या होते हैं? स्वीपर्स होते हैं। तो राजू क्या बोलता है कि सर मैंने नहीं फेंका, मंजीत बोलता है सर मैंने ही पेपर्स नहीं फेंके हैं, इट इज़ नॉट माई जॉब, बोलता है कि मैं क्यों क्लीन करूँ, ये मेरा काम थोड़ी ना है, ठीक है। अब टीचर बोलता है, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। अब जो टीचर है क्या बोलती है? बॉयज़ मतलब बच्चों, एट फर्स्ट बी क्वाइट, सबसे पहले तो आप लोग चुप हो जाओ, बी क्वाइट मतलब चुप हो जाओ, एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और शांति से मुझे सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे सुनो।
एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली, ठीक है, टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी हु क्लीन्स इट। वो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि अगर आपकी बॉडी गंदी हो जाती है हु क्लीन इट, उसको कौन क्लीन करता है, ठीक है। ऑल, सब बच्चे क्या बोलते हैं, ऑल मतलब सब बच्चे बोलते हैं, वी डू इट आवर सेल्फ सर, हम खुद ही साफ करते हैं सर। अगर हमारी बॉडी डर्टी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, खुद ही क्लीन करते हैं, सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं। ओके, आप देखो, टीचर इफ़ योर क्लासरूम इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इट इज़ ओनली योर मदर ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम। अब टीचर बोलते हैं अगर आपका रूम ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो क्या सिर्फ मदर की ड्यूटी बनती है साफ़ करना, आपकी ड्यूटी नहीं बनती है साफ़ करना। इसमें क्या लिखा है, अगर आपका रूम गंदा हो जाता है इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, अगर आपका रूम गंदा हो जाता है तो क्या सिर्फ मदर की ड्यूटी होती है रूम को क्लीन करना, डोंट यू क्लीन योर रूम, तुम अपना रूम क्लीन नहीं करते, अपने मदर के भरोसे बैठे रहते हो, नहीं बैठना चाहिए ना बेटा ऐसा, अपना रूम खुद क्लीन करना चाहिए। तो राजू बोलता है यस सर आई क्लीन माई सेल्फ माई रूम, क्या बोलता है, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मतलब मैं अपने रूम को खुद क्लीन करता हूँ। कौन बोलता है, राजू बोलता है, जो कि कौन था, क्लास मॉनिटर था। राजू क्या बोलता है, सर मैं खुद ही रूम को क्लीन करता हूँ, ठीक है, आया समझ में। तो टीचर बोलता है गुड राजू, क्या बोलते हैं टीचर, वेरी गुड राजू, ये तुमने बिल्कुल सही बात बोली, ठीक है। अब देखो नेहा क्या बोलती है, नेहा सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। नेहा क्या बोलती है कि सर मैं तो अपने रूम को झाड़ू भी लगाती हूँ, आई स्वीप माई रूम, ठीक है, आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल, और मैं अपनी मदर के लिए कुएं से पानी भी भरकर लाती हूँ। भरकर लाना मतलब फैच मतलब लाना, ठीक है। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल, मैं अपनी मदर के लिए कुएं से पानी भी भरकर लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं उनको किचन के वर्क में भी हेल्प करती हूँ। कौन बोलती है, नेहा बोलती है कि सर मैं तो अपना रूम भी स्वीप करती हूँ मतलब झाड़ू लगाती हूँ, और मदर को क्या करके लाती हूँ, वेल से पानी भी भरकर लेकर आती हूँ, और साथ में मम्मा को किचन में हेल्प भी करवाती हूँ। आया समझ में। तो देखो बिट्टू क्या बोलता है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आर शॉप, और बिट्टू बोलता है सर मैं तो अपनी फादर को भी उनकी शॉप पे काम करवाता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। अब उसके फादर की कोई शॉप होगी तो बिट्टू क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। आया समझ में। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है, टीचर बोलती है वेरी गुड माई चिल्ड्रन, क्या बोलती है, वेरी गुड मेरे बच्चों, ठीक है। किसको बोलती है, नेहा को, बिट्टू को, राजू को और मनजीत को, ठीक है, और भी सारे बच्चे जो क्लासरूम में हैं, अटेंडेंस अटेंड है, ठीक है, उन सबको बच्चों को क्या बोलती है, वेरी गुड माई चिल्ड्रन। आप देखो इसमें क्या लिखा है, वी वर्क एट होम आवर सेल्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, हम क्या करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की, हम क्या करते हैं, वी वर्क एट होम आवर सेल्स, हम अपने घर पे खुद काम करते हैं और साथ में फैमिली मेम्बर्स को हेल्प भी करते हैं, ठीक है। देयर वी डोंट थिंक वेदर आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर जॉब्स और नॉट, उस टाइम तो हम नहीं सोचते हैं कि हमारा घर का, ये तो हमारे घर का काम है या फिर हमारी जॉब है, उस टाइम तो हम काम करते हैं ना, उस टाइम तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये तो घर का काम है मैं नहीं करूँगा, ये तो जॉब है मैं तो नहीं करूँगा, ये तो पापा का काम है मैं इसको भी नहीं करूँगा, उस टाइम हम सोचते हैं कैसा, नहीं सोचते ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, इन द सेम मैनर उसी तरीके से आवर स्कूल ऑल्सो लाइक आवर होम, हमारा जो स्कूल होता है बिल्कुल हमारी होम की तरह होता है, हमारी घर की तरह होता है, हमें उसको भी हमेशा क्लीन करना चाहिए। किसको समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, कौन, टीचर समझा रहे हैं कि हमारा जो स्कूल होता है वो हमारे घर की तरह होता है, उसी तरीके से हमको उसे भी क्लीन करना चाहिए। जब हम घर पर होते हैं या फिर पापा के शॉप पर होते हैं तो काम करते हैं ना, वैसे ही हमको ये ना सोचकर अपनी घर की भी या अपने स्कूल की भी सफाई करनी चाहिए, ठीक है। वी लीव हर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर, हम सब यहाँ पर हैं, हम सब यहाँ पे एक दूसरे के साथ हैं और क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, और फ्रेंडली एटमोसफियर मतलब
विदाउट एनी प्रॉब्लम, फ्रेंडली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, मूड ऑफ फीलिंग मतलब बहुत अच्छी तरीके से, इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। शुडंट वी थिंक इट्स क्लीन ऑल्सो, आपको लगता नहीं है कि आपको उसे भी क्लीन करना चाहिए? शुडंट शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो, क्या आप सोचते नहीं है, आपको सोचना नहीं चाहिए कि वी थिंक क्लीनिनेस ऑल्सो, हमें स्कूल को भी क्लीन करना चाहिए। इफ़ यू मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, हु डबल एल लिखा है ना, इसका मतलब होता है हु विल, ठीक है। इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हमने इसे गंदा किया है, हु विल क्लीन इट, इसे क्लीन कौन करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आर सेल्स, मतलब अगर हमने हमने गंदा किया है तो हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। आई थिंक हम मतलब शायद हम सोचते हैं कि वी शुड डू इट आर सेल्स, हमें खुद से ही इसकी क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। आया समझ में? टीचर जी क्या समझाते हैं कि हम घर पे भी काम करते हैं और जॉब में भी काम करते हैं, उसी तरह हम सोचते हैं कि उस टाइम कि ये हमारे पापा का काम है, ये हमारे घर का काम है, मैं नहीं करूँगा, वैसे ही उसी तरीके से इन द सेम मैनर हमको क्या करना चाहिए, स्कूल में भी अगर कुछ कचरा हमसे गिर जाता है तो हमको अपने हिसाब से मतलब आवर सेल्स उसको क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम फोर्थ पैसेज से कल से रीड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम फोर्थ पैसेज रीड करेंगे, ओके। तब तक आपको क्या करना है, इसके इस चैप्टर के पूरे वर्ड पावर अपनी कॉपी में करनी है, और क्या करना है, इस चैप्टर को जहाँ तक मैंने रीड करवाया है वो आपको फिर से रीड करना है, और आगे जो रिमेनिंग चैप्टर बाकी है उसको भी रीड करने की कोशिश करनी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।